जय हिंद दोस्तों, मैं विजय सर, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल कोचिंग विजय में। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं, यदि कोई भी स्टूडेंट जो हाई स्कूल में है और हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो सर्वप्रथम वो स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे द्वारा जो वीडियो आपको प्रोवाइड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। दोस्तों, आप वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगता है कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको भली भांति समझ में आया है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि नहीं समझ में आया है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। दोस्तों, आपका लाइक या डिसलाइक हमारे हौसले को बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि गुणनखंड द्विघात द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। आज का हमारा ये वीडियो मैथ क्लास 10 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। दोस्तों, गुणनखंड तो आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे क्लास 10th में। दोस्तों, यदि आप वास्तव में मैथ सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। मेरा आपसे ये वादा है कि क्लास 10th का प्रत्येक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सीखना चाहते हैं तो मेरा आपसे ये वादा है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन सिखा के आपको तैयार कर दूंगा, प्रिपेयर कर दूंगा, आप बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखते हैं गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो आज मेरे साथ देख लीजिए कि मैं किस विधि से आपको एक द्विघात समीकरण का हल कैसे ज्ञात करेंगे। आपको मेरा वीडियो देखने के बाद कोई भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। मन लगा के आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए कि कैसे गुणनखंड द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे। उसी प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 आपके समक्ष 2x² - 5x + 3 = 0। दोस्तों, आपके समक्ष एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है। इस समीकरण को हल करके गुणनखंड विधि द्वारा x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, यह द्विघात समीकरण है, इसलिए इसमें x के दो मान आना पॉसिबल है। तो आइए ये अलग से एक रफ कार्य करते हैं, जो कि हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे, मेन सोल्यूशन में शो नहीं करेंगे। आपको सीखने के लिए है कि कैसे हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले जो x² उसको गुणांक और अचर पद, इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। तो सबसे पहले यही करना है कि x² का गुणांक और अचर पद को हमें मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस है मिडिल टर्म, जो मध्य पद होगा उसको बाहर लिखेंगे 5। उसके बाद हमें चले जाना है कहाँ, यहाँ पे अचर पद के पहले कौन सा सिंबल है, यहाँ पे कौन सिंबल है, प्लस है। तो दो नंबर हमें ऐसे यूज करना है कि जोड़ने पे कितना आए, ऐड करने पे 5 आए, और उन्हीं दो नंबर को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6 आए। पुनः सुन लीजिए एक बार, ऐड करने पे 5 आए और उन्हीं दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6 है। तो हमारे पास दो नंबर क्या है, 2 + 3। यदि इनको हम ऐड करेंगे तो 3 2 या 2 + 3 5 होगा, और 2 और 3 मल्टीप्लाई 6 होगा। तो 5 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2 + 3। तो 2x² -, अब 5 के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, 2 + 3, ब्रैकेट बंद, x है तो x लिखेंगे, +3 = 0। 2x² मल्टीप्लाई करेंगे -, -2 = 2x - -, -3 = 3x + 3 = 0। हमें देखना है कॉमन, दो दो का ग्रुप बना लिए हैं, हमें देखना है क्या कॉमन, 2x² - 2x में कॉमन क्या है, 2x, यहाँ कितना आ जाएगा, 1x - 2x बाहर है कितना आ जाएगा, 1।
माइनस थ्री यहाँ पे भी है और थ्री यहाँ पे भी है, तो थ्री कॉमन हो गया। अब माइनस पहले से ही कॉमन है तो x बचेगा यहाँ पे, सिंबल प्लस है तो क्या होगा माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ सिंबल माइनस है, इक्वल टू जीरो। दो ब्रैकेट सेम है उसको वन टाइम लिखेंगे, x माइनस वन और टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो, x माइनस वन इक्वल जीरो, x इक्वल टू वन। अब क्या करेंगे, टू एक्स माइनस थ्री इसको दिखाएंगे जीरो के इक्वल, टू एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा थ्री, x इक्वल टू हो जाएगा थ्री अपॉन टू। दोस्तों 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल जीरो के दो मान आ चुके हैं, जो x इक्वल टू वन और x इक्वल टू थ्री अपॉन टू। तो हमारी यही प्रोसेस होगी कि गुणनखंड जितने भी आपको क्वेश्चन बुक में होंगे या कहीं भी होंगे, आपको गुणनखंड करना है तो सिर्फ और सिर्फ यही मेथड है, इसी मेथड को सीख लीजिए तो आप गुणनखंड करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो गुणनखंड विधि द्वारा जो द्विघात समीकरण दिया गया है, हमें उसके मूल ज्ञात करना है, यानी x के मान ज्ञात करना है। यदि आप एग्जाम्पल नंबर 3 ठीक ठाक समझ गए हो तो ये क्वेश्चन आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, सेम टू सेम प्रोसेस है, ये हमारा रफ कार्य रहेगा। x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, और मल्टीप्लाई बाय अचर पद क्या है, 10 है, 10 वन जा 10। अब मिडिल टर्म बाहर करेंगे कितना है, 3 है इक्वल। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है कि अचर पद के पहले सिंबल देखना है, कौन सिंबल है, माइनस, सिंबल माइनस है, तो दो नंबर ऐसे खोजने हैं कि माइनस करने पे 3 आए, उन्हीं दो नंबर को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो दोस्तों माइनस करने पे 3 आए तो क्या होगा, 5 माइनस 2, यदि 5 में 2 माइनस करें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के प्लेस पे लिखा जाएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इक्वल 0। जो एग्जाम्पल नंबर 3 में प्रोसेस थी वही सेम टू सेम प्रोसेस फर्स्ट क्वेश्चन में है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स का मल्टीप्लाई 5x माइनस माइनस प्लस 2 वन जा 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेना है तो पेयर बनाएंगे, यहाँ कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है तो कॉमन क्या होगा, एक्स, तो एक्स माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर बचेगा, यहाँ कॉमन क्या होगा, ये 2 है ये 10 है, कॉमन क्या होगा 2, तो एक्स माइनस 2, 5 जा 10 तो कितना बचेगा, 5 इक्वल टू 0। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जब तक ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होंगे तो आपका वो आंसर सही नहीं होगा, आपको दोनों ब्रैकेट सेम करना जरूरी है, यदि ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो आपका सलूशन कहीं ना कहीं मिस्टेक है। एक्स माइनस 5 दो ब्रैकेट सेम तो उसको लिखेंगे वन टाइम, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 इक्वल 0, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 5, एक्स का मान एक मान आ चुका है एक्स इक्वल टू 5 और दूसरा मान एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा माइनस 2। दोस्तों इस प्रकार द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0 का दो मूल आ चुके हैं, एक्स इक्वल टू 5 और एक्स इक्वल टू माइनस 2। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस रहेगी, 2 और
सिक्स का मल्टीप्लाई, टू और सिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, टू इंटू सिक्स कितना हो जाएगा 12। मिडिल टर्म लिखेंगे बाहर तो क्या होगा, यहाँ पे गुणांक कितना है 1 है, कितना है 1 इक्वल। अब ये देखना है कि सिंबल क्या है, माइनस है तो दो नंबर ऐसे सच करने हैं कि घटाने पर माइनस करने पे 1 आए, और उन्हीं दो नंबरों को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 12 आए, तो नंबर दो नंबर क्या हो जाएगा 4-3। यदि इन दो नंबरों को माइनस करते हैं तो 1 आता है, यदि इन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 2x² प्लस, यहाँ पे 1 है इसके प्लेस में लिखा जाएगा 4-3x-6=0। 2x² प्लस 4×4x-3×3x-6=0। फिर से पेयर बनाएंगे और कॉमन, कितना कॉमन होगा 2x² है प्लस 4x है, कॉमन कितना होगा 2x, 2x कॉमन है, क्या चाहिएगा x प्लस 2 माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन है 3, 3 कॉमन होगा क्या हो जाएगा x माइनस 12, क्या होगा माइनस सिंबल प्लस हो जाएगा, 3×2=6 कितना आ गया 2, x प्लस 2 ब्रैकेट सेम है, वन टाइम लिखेंगे x प्लस 2 2x-3=0, x+2=0, x= कितना हो जाएगा -2। समीकरण का एक मान और सेकेंड मान 2x-3=0, 2x=-3 क्या हो जाएगा पक्षांतर करने पे +3, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड में 3/2। दोस्तों इस प्रकार 2x² + x-6=0 के दो मूल x = -2 और x = 3/2 आ चुके हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2, वही प्रोसेस सेम जो पीछे यूज किए हैं वही सेम टू सेम प्रोसेस। सर्वप्रथम क्या करेंगे, x² का गुणांक कितना है √2, मल्टीप्लाई करेंगे अचर पद के साथ 5√2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 5, √2 का मल्टीप्लाई 2 होगा तो 5×2=10। अब मिडिल टर्म को बाहर करेंगे, मिडिल टर्म क्या है 7 है, इसके बाद देखेंगे अचर पद के पहले कौन सा सिंबल है, सिंबल क्या है प्लस है, तो दो नंबर ऐसे खोजने हैं सर्च करने हैं कि ऐड करने पे 7 आए और उन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई कर कितना हो जाए 10 हो जाए, तो नंबर क्या होगा 5+2। अगर 5+2 को हम ऐड करेंगे कितना हो जाजाएगा 7, और 5×2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। लिखा जाएगा √2x² + 7 के प्लेस में लिखेंगे ब्रैकेट में 5+2x+5√2=0, √2x² + 5x + 2x मल्टीप्लाई कर दिए हैं 5x 2x+5√2=0। डियर स्टूडेंट थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं तो कॉमन लेने में हमें आसानी हो जाएगी, √2x² + 2x इंटरचेंज कर रहे हैं +5x+5√2=0, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन हमें खोजना है, तो √2 और 2 इन दोनों जो कॉमन होगा 2 को लिख सकते हैं क्या √2 × √2 कॉमन होगा √2x² यहाँ है x यहाँ है तो x भी क्या होगा कॉमन होगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे x प्लस x बाहर है
टू को लिखे हैं अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू, एक अंडर रूट टू बाहर है, क्या चाहिए अंडर रूट टू प्लस फाइव, और फाइव कॉमन है, फाइव कॉमन एक्स प्लस अंडर रूट टू इक्वल जीरो, दोनों ब्रैकेट सेम है, एक्स प्लस अंडर रूट टू एक ब्रैकेट में और अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव एक ब्रैकेट में इक्वल जीरो। अब एक्स प्लस अंडर रूट टू इक्वल जीरो, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा माइनस अंडर रूट टू, ये ब्रैकेट क्या लिखा है अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल जीरो, अंडर रूट टू एक्स इक्वल कितना हो जाएगा प्लस फाइव है तो क्या होगा माइनस फाइव, एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस फाइव अपॉन अंडर रूट टू। तो दोस्तों हमारा जो द्विघात समीकरण दिया गया था उसके दो मूल एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू और एक्स इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन रूट टू, दो मूल प्राप्त हो चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एट इक्वल जीरो, ये भी वही सेम टू सेम प्रोसेस है लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा एट आएगा, तो टू एक्स स्क्वायर एलसीएम क्या एट है तो एट टू जा कितना हो जाएगा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइड के एट आया तो एट एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, तो सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन इक्वल जीरो मल्टीप्लाई बाय एट, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन इक्वल कितना हो गया जीरो। अब डियर स्टूडेंट अब आपको इसको सॉल्व करने में क्या होगी आसानी होगी, तो 16 और 1 का मल्टीप्लाई 16 होगा, उसके बाद ऐड करने कितना आना चाहिए ऐड यहाँ प्रोसेस कर लेते हैं आपको समझ नहीं आ पाएगा सही से, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल 16, और जो मिडिल टर्म में क्या है 8 इसको बाहर लिखेंगे। अब देखेंगे अचर पद के पहले सिंबल किसका है प्लस है तो जोड़ने पे 8 आए, अब मल्टीप्लाई करने कितना आए 16 आए, तो 4 प्लस 4 को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8, अब 4 और 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा 16, तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 के प्लेस में लिखा जाएगा 4 प्लस 4 एक्स प्लस 1 इक्वल 0, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस माइनस प्लस माइनस होगा 4 वन जा 4 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, अब कॉमन देखना है हमें 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स कॉमन क्या होगा 4 एक्स कॉमन होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर है एक्स बाद 4 एक्स माइनस 1, यहाँ कॉमन क्या होगा कॉमन होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ 1, 4 एक्स प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 एक्स, अगर सिंबल माइनस है बाहर है ब्रैकेट के तो प्लस है तो क्या होगा माइनस 1 इक्वल टू 0, अब दोनों ब्रैकेट क्या हैं सेम है तो 4x माइनस 1 वन टाइम और 4x माइनस 1 सेकेंड टाइम इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल कितना हो जाएगा 1 माइनस था प्लस हो गया x इक्वल टू 1 अपॉन 4, एक 1 वैल्यू आ चुकी है और सेकेंड वैल्यू 4x माइनस 1 इक्वल जीरो, 4x माइनस 1 क्या होगा प्लस 1 होगा, x इक्वल टू 1 अपॉन मल्टीप्लाई किसमें होगा डिवाइड में। तो दोस्तों जो हमारा द्विघात समीकरण दिया गया था उसके दो मूल x इक्वल टू 1 अपॉन 4 और x इक्वल टू 1 अपॉन 4 दो मान आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, इसको क्या करेंगे गुणनखंड के द्वारा सॉल्व करेंगे और x का मान फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 100
और अचर पद क्या है वन, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 100। मिडिल टर्म क्या है 20 लिखेंगे बाहर। अब देखना है अचर पद के पहले सिंबल किसका है प्लस, तो दो नंबर ऐसे खोजने हैं कि जोड़ने पे ऐड करने पे 20 आए, उन्हीं दो नंबर के यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाए 100। तो 10 प्लस 10 यदि इनको जो ऐड करते हैं तो कितना होगा 20 होगा, इन्हीं दो नंबर को यदि मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100x² माइनस 20 के प्लेस पे 10 प्लस 10 x + 1 = 0। 100x² माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 10x - 10x + 1 = 0। अब हमें कॉमन यहाँ देखना है और कॉमन यहाँ देखना है। कॉमन क्या होगा x है तो x कॉमन होगा ही, साथ में 10 भी कॉमन है। 10x कॉमन कितना बचेगा 10x - 1। यहाँ पे क्या कॉमन है -1 कॉमन है, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या होगा -1। 10x + 1 कितना होगा -1 = 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो वन टाइम लिखेंगे 10x - 1 और 10x - 1 = 0। अब 10x - 1 = 0, तो 10x = -1 कितना हो जाएगा +1, x = क्या होगा 1/10। सेकेंड क्या होगा 10x - 1 = 0, 10x = 1, x = कितना हो जाएगा 1/10। दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था द्विघात समीकरण 100x² - 20x + 1 = 0 के दो मूल x = 1/10 और x = 1/10 दो मूल ज्ञात हो चुके हैं। तो दोस्तों 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 5 पार्ट थे उसको हमने भलीभांत सीख लिया है। दोस्तों हमें आपसे यही गुजारिश है कि आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको सबसे पहले भली भांत समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।